हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजा की भूल नाम की एक कहानी को सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमें यह कहानी क्यों सुननी चाहिए। कई बार ऐसा होता जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते और हम यह भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं। फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास सच्चाई से समाज से उठ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कामों के सामने छोटी है? आपका उत्तर होगा नहीं। फिर भी हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उसका विश्वास टूट जाता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राजा की भूल नाम की एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सज़ा देने के लिए करता था। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई, अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सम्मुख फेंकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ, मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं और नियमानुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज क्या हो गया है, वे इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया, उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है, ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं। मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दी। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता व हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए हैं। परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वाभि भक्ति को भूल गए हैं और मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती न करने की सौगंध ली। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। यह हमें यह बतला देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें। अब आज से आपको बस यह करना है कि कभी भी किसी का विश्वास टूटने नहीं देना है। विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है, और खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। जैसे मुझे विश्वास था कि मैं यह कहानी अपने आप से किसी को सुनाऊंगा, तो मैंने आज सुना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में किसी नए प्रेरक बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।